मंदिर से हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। हमें तो रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था चाहिए। आप दिल्ली में आए हैं, कई लोग हैं राजस्थान से, आपके किसी का मुंह सही नहीं। हाँ, ये तो देखिए, मैं ये नहीं कह सकता, पर डर है क्या क्या आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई डर हम में नहीं है, परंतु निश्चित रूप से ये जैसे आप मूंछ नहीं रख सकते, घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, ये विकृति वहाँ है, और इसके लिए आप जैसे लोगों को भी समाज में जागृति पैदा करने के लिए काम करना चाहिए। मैं आपसे भी टीचर रहे हैं, यदि आप भी इन बातों को मानते हैं तो फिर क्या शिक्षा दे पाएंगे बच्चों को आप? देखिए, ऐसा है, हमने तो शिक्षा बहुत अच्छी दी है कि इस धरती पर सब लोग समान हैं, परंतु किसी की मानसिकता यदि गड़बड़ है तो उसमें शिक्षक क्या कर सकता है? हमने जातिवाद है अभी, बिल्कुल देर इज नो, कोई शक की बात नहीं है। आपका गांव कौन सा है सर? मेरा गांव नंगली बड़ाई है। नंगली बड़ाई में क्या क्या जातिवाद झेल रहे हैं आजकल आप? देखिए, ऐसा है, जातिवाद तो आप जब ग्रास रूट पर जाएंगे तो मेरे गांव में फेस किया आपने? जो मैंने फेस किया, निश्चित रूप से 92 के लगभग की बात है, 97 की, तो हमारे गांव में भी ये वाकया हुआ। कुछ महिलाएं शादी के बाद में देवता आदि पूजने जाती हैं तो उनको उतार दिया गया था, और उससे उस घटना को हमने काफ़ी झकझोरा। मैं उस संघर्ष से हमें घोड़ी पर बैठने का हक मिला, और उसके लिए मैंने खुद संघर्ष किया है। और घटना हो गई थी आपके गांव में? हाँ बिल्कुल, तो घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, घुड़चढ़ी नहीं करने देते, वो केवल ऊँट गाड़ी पर चढ़ के जा रहे थे। राजस्थान, आप राजस्थान का ही बात ले रहे हो ना? हाँ अच्छा, हाँ, तो ये चीजें हैं, आप जब गांव में जाओगे ना तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। सर, आप राजस्थान से आए हैं, रिटायर्ड टीचर हैं अलवर में, और वहाँ पे ऐसी घटना आती रहती है कि मूंछ नहीं रखने देते हैं दलितों को, वो वहाँ पे अत्याचार होता है, जितेंद्र मेघवाल को भी जो मूंछ रखने पर जो हत्या कर दी गई थी, आपने भी मूंछ नहीं रखी है, पूरा मामला क्या है ये? देखिए, ये निश्चित रूप से असमानता का विषय है, और कुछ लोग, जाति विशेष के लोग ये सोचते हैं कि केवल ये अधिकार हमें ही है, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं है। संविधान में सबको समानता का अधिकार है, और वो इस चीज़ को परंपरा मानते हैं, और कोई दलित समाज की इस तरह का जो मूंछ रखना है, प्राकृतिक प्रक्रिया होती है कि मूंछ सबको आती है, बाल आते हैं, तो आप भी मूंछ नहीं रखते हैं राजस्थान में, वहाँ ऐसा क्या माहौल है? मैं नहीं रखता, पर हमारे समाज के बहुत सारे लोग मूंछ रखते हैं। जितेंद्र मेघवाल को तो मार दिया था मूंछ रखने पर। हाँ, तो मैं इसी की तो बात बता रहा हूँ कि वो लोग अपने जैसा वेशभूषा पहनावा उसका घोर विरोध करते हैं, और यहाँ तक कि उनके अंदर नफरत भरी हुई इस बात को लेकर के। मूंछों से क्या दिक्कत है? अगर दलित मूंछ रखेगा तो वो ऐसा लगेगा कि ये भी राजपूत जैसा दिख रहा है। वो कॉपीराइट है क्या मूंछों पे राजपूतों का? ऐसा किस मतलब कोई राइट नहीं है किसी का भी। ये तो केवल और केवल उनमें घृणा बढ़ा हुआ है समाज में, केवल उनमें घृणा भरी हुई है, और वो घृणा का प्रतीक रूपी ही है वो उनकी डेथ। ज्यादातर मनुवादी लोग हैं, मनुवादी व्यवस्था के पोषक लोग हैं, इसलिए वो ऐसा हो रहा है। सरकार तो दावे करते हैं कि हम जो है जातिवाद को खत्म कर रहे हैं। अरे सर, ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि हमारे जीवन काल में वो चीजें खत्म हो जाएंगी। अच्छा, राजस्थान में जो अत्याचार है जाति के आधार पर SC पे स्पेशली, वो OBC ज्यादा करता है या जनरल ज्यादा करता है? मैं तो यहाँ तक अभी यहाँ निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सम्मेलन हमारा एकता का हो रहा है, और मेरी बात को अदरवाइज नहीं लिया जावे। निश्चित रूप सच्चाई ये है कि SC पर सभी लोग अत्याचार कर रहे हैं, ST भी कर रहा है तो OBC भी कर रहा है, और जनरल भी कर रहा है, जनरल नो डाउट। ये विरोध करते हैं कौन लोग हैं जो आपको ऐसा नहीं करने देते हैं शादी विवाह में? देखिए, आपको सब पता है, मनुवादी जो सोच के जो लोग हैं, जाति विशेष की मैं बात नहीं करता, मनुवादी जो लोग हैं वो इस तरह का काम करते हैं। ये दो घटना बड़ी रही हैं पिछले साल राजस्थान में, जितेंद्र मेघवाल की, इंद्र मेघवाल की। ये मेघवाल ज्यादा निशाने पर क्यों है? देखिए, राजस्थान में SC में लगभग 33 जिले हैं, और उनमें 25 से 28 जिलों में मेघवाल जाति रहती है, तो वो ज़्यादा लोग हैं संख्या में। पढ़े लिखे ज़्यादा हैं क्या? पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, और संघर्ष करते हैं, मुकाबला करते हैं। जाटव समाज भी है, बैरवा समाज भी है, वो अपने सारे लोग सामाजिक संगठनों के माध्यम से इन सारी बुराइयों से लड़ रहे हैं, पर अभी भी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ मीणा बहुत मजबूत होते जा रहे हैं राजस्थान में। देखिए, इसमें आपको मैं बताऊं कि वहाँ जो सोशली बैकवर्डनेस की जो बात है, और उसमें सबसे बड़ा जो है फैक्टर है ज़मीन। SC के पास ज़मीन नहीं है,
और मीणाओं के पास सामाजिक ऐसे कोई भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उनके पास, उनके पास जमीन है, राजनीति में वो है, पढ़ाई में मेहनत करके वो सभी हायर पदों पर जो है वो है। मीणा एसटी में आते हैं ना? हाँ, वहाँ एसटी में आते हैं। तो सर ज्यादा शोषण का शिकार एसटी को होना पड़ता है, एससी को होना पड़ता है राजस्थान? एससी तो वो तो एक पायदान ऊपर है एसटी से, तो उनको भी हमारा हमारी मदद करनी चाहिए। लेकिन एसटी आपसे ऊपर कैसे आ गए वहाँ पर? नहीं वो तो है ही भाई, शोषण की वजह क्या है? मुख्य वजह मैंने बता दी आपको भाई, वो इकोनॉमिकली सोशली साउंड है, इस वजह से वो ऊपर है। लेकिन वो तो बाबा साहब की बात भी करते हैं एससी लोग, जाते सब सब बात करते हैं, परंतु जो बात है हकीकत वो निश्चित रूप से आज भी आप मीणाओं के भी गांव में जाइए तो आपको भारत की असली तस्वीर दिखेगी। राजस्थान में सर ये ऐसी घटना होती है जो काफी विभत्स होती है, झकझोर देती है पूरे समाज को, इनमें कोई जो है अपर कास्ट के जो लोग होते हैं जिनके जो बड़े खाप वाले बोले जाते हैं, पंचायतें चलती हैं उनके सारे पर, क्या वो आपके पक्ष में कुछ बात करते हैं इस ऐसी घटना को लेकर? बहुत कम लोग हैं जो जो इस तरह के बात का प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं, बहुत कम लोग हैं। ऐसे तो नहीं है कि भाई ऐसा सब लोग ही हैं, पर उनकी चलती नहीं है। आप सर टीचर रहे हैं सरकारी स्कूल में राजस्थान में, कौन सा जिला सर आपका? मेरा अलवर है। अलवर में जो स्कूल है सरकारी, उनमें पानी की क्या व्यवस्था है बच्चों के लिए? देखिए वहाँ हैंडपम्प थे पहले, तो हैंडपम्प सूख गए हैं और अब वाटर सप्लाई से वहाँ पानी पहुँचाया जाता है, और जहाँ रिमोट बहुत जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है वहाँ टैंकर आदि से व्यवस्था होती है। और सरकारी स्कूलों में पानी पीने के पानी की जो है व्यवस्था वो सार्वजनिक है, वहाँ ऐसा कोई ऐसी कोई घटना नहीं है। मटके होते हैं क्या, टंकी होती है क्या? टंकियाँ होती है, टंकी होती है वहाँ। कुछ छुआछूत भेदभाव बच्चों में? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। जो क्लास होती है वहाँ पर स्कूल में, वहाँ पे किस तरह से बैठाए जाते हैं बच्चे स्कूलों में? बिल्कुल सब मिक्स बैठते हैं, जिस बच्चे की जहाँ इच्छा है वो वहाँ बैठता है, ऐसा राजकीय स्कूलों में ऐसा कोई कुछ नहीं है। लेकिन ये जो घटना हुई थी इंद्र मेघवाल वाली, ये मैंने आपको पहले भी बताया, प्राइवेट स्कूल की बात है और ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इस घटना ने पूरे देश में जो है काफी सुर्खी बटोरी थी। बिल्कुल निश्चित रूप से शिक्षक समुदाय को बहुत नीचा देखना पड़ा था और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी आए बगाए कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और ये इतना बड़ा जो देश है उसकी मानसिकता का जो जिसकी बुरी खराब मानसिकता है वो इस तरह के कृत कर बैठता है। कुछ लोग कह रहे थे कि संघ से संचालित स्कूल है वो, नहीं ये मेरे को जानकारी नहीं। लेकिन वो तो सरकार के दावे किए जाते हैं कि यहाँ अत्याचार कम हो रहा है। सरकार अपना काम कर रही है, पर मैं जो आपको बता रहा हूँ वो हकीकत है। आगे मरने मारने के ये जातिवाद कब तक रहेगा क्या लगता है? भाई जातिवाद तो जब तक संवैधानिक सारी व्यवस्थाएं हैं और ये जब तक सही मायने में कानून अपना काम नहीं करेगा जब तक तो ये हो ही रहा है। लोग कहते हैं कि पढ़ लिख जाओगे तो जातिवाद नहीं रहेगा। हाँ ये कुछ हद तक है बात, कमजोर पर ज्यादा अत्याचार होते हैं, अशिक्षित जो लोग हैं उन पर अत्याचार ज्यादा होते हैं, जो सबल हो गया पढ़ लिख करके पैसे वाला हो गया उस पर ये अत्याचार कम रेशियो में होते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो अफसर हो गए हैं एससी में उनकी भी घुड़चड़ी नहीं होने दी राजस्थान में, तो ये तो एक उदाहरण है, एक आईपीएस अधिकारी का आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, तो ये मानसिकता ये कुत्सित मानसिकता का ही एक मामला है। ये मानसिकता है जी जी, बस वो जाति से आंकते हैं, ये ख्वाला जाति का है तो उसको वैसा मानेंगे, उसको ऐसा नहीं मानेंगे कि पढ़ लिख करके बड़ा अफसर बन गया तो इसको सम्मान दे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे घटनाएं होती हैं जाति के आधार पर अत्याचार होता है, जो आपके जनप्रतिनिधि होते हैं एमपी एमएलए या ग्राम पंचायत में जो बड़े अधिकारी हो गए हैं वो आपका समर्थन करते हैं साथ में आते हैं? ये समर्थन केवल दबे स्वरों में और उनकी पार्टी लाइन के कोई के हिसाब से वो पार्टी से बंधे हुए बस, ये तो आपको पता है सारा सब कुछ। तो हिंदू राष्ट्र बन रहा है क्या लग रहा है अब? नहीं हिंदू राष्ट्र तो नहीं बन पाएगा, मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत विचार है ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, और जब तक इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, जब तक हमारे लोग जागरूक है, जब तक मेरे विचार से हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। 2024 तक की डेडलाइन दी हुई है, अब डेडलाइन उन्होंने अपने हिसाब से दी है, 24 में निश्चित रूप से हम इसके खिलाफ वोट करेंगे, कैसे बनेगा? क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो देखिए ये जो थीम है ये बिल्कुल मनुस्मृति पर काम करेगी, और जिसने दलित को महिलाओं को दबे कुचलों को हमेशा उनको नीचा आका है, उनको अछूत आका है, और उनको उनके साथ कोई ऐसी व्यवस्था
आप सारे पढ़ इनके ग्रंथों को पढ़ लीजिए, कहीं भी शोषित दबे कुचले समाज के लिए कोई सम्मान की एक लाइन भी आप ढूंढ के बता दो तो मैं आप। लेकिन हिंदुत्व के नाम पे तो सब एकजुट हो रही है, एससी एसटी ओबीसी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ लोग स्वार्थी लोग हो सकते हैं। मुसलमान तो टाइट कर दिए ना बीजेपी सरकार ने, पदलोलुप हो सकते हैं। आपके यहाँ पर मोबलिन चंगुई दो लड़कों की अभी पता आपको? जी मेरे को उनकी जान गाय के नाम पर। हाँ हाँ रामगढ़ में बिल्कुल हुई, मुस्लिम थे दोनों लड़के। हाँ हाँ बिल्कुल। ये तो फिर हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जा रहा है? नहीं हिंदू मुस्लिम तो निश्चित रूप से खेला जा रहा है, परंतु उसी से तो ऑक्सीजन मिल रही है ना भाजपा को। हाँ। हिंदू उसी से एकजुट हो रहे हैं। हिंदू को केवल और केवल हम लोगों को केवल यूज करते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं और उन माध्यमों से उनको दबाया जाता है। 9वीं साल चल रही है मोदी सरकार को, कुछ लग रहा है मजबूती हो रही है आपको? नहीं बिल्कुल, सब कुछ खत्म हो गया हमारा, देश मजबूत हाथों में से कहा जाता है। नहीं नहीं बिल्कुल खत्म हो चुका मेरे हिसाब से। लोग कह रहे हैं कि दलित ब्याज सुरक्षित हैं इस सरकार में? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, हो सकता है लोग मानते हो पर मैं नहीं मानता इन बातों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी ने देश को पहचान दी है? हो सकता है, वहाँ तो कहता है मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, परंतु कहते कुछ है करते कुछ है। 2024 में तो मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा ऐसा कहा जाता है, तो चुनाव आएंगे तो इससे तो बहुत मोटा वोट मिलेगा बीजेपी को। क्या मिलने वाला है? लेकिन वोट तो धर्म के नाम पे मिलता है। नहीं नहीं वो तो ऐसा है, जो कमजोर आदमी है उनको बहुत सारे हथकंडे हैं, उनके माध्यम से उन वोटों को लिया जाता है। धर्म की काट क्या है सर विपक्ष के पास में? विपक्ष धर्म की तो क्या काट, केवल और केवल ये है कि इस देश को यदि आगे बढ़ाना है तो हमें इस सोच के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसके खिलाफत करनी पड़ेगी, तभी ये देश ज़्यादा विकास कर पाएगा। जहाँ ये चीज़ें नहीं है, मनुवाद की व्यवस्थाएं नहीं है, वो देश तो हमसे बहुत आगे। कोई धर्म की जरूरत नहीं है क्या आदमी को? नहीं कोई जरूरत नहीं है, केवल कर्म की जरूरत है। कर्म की जरूरत बस।